हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी डिमांड आई है कि सीमा बताइए हमें कि हम सलून जाते हैं तो हम कैसे अपनी आईब्रोज को हाइजीन तरीके से करवा सकते हैं। हम किसी भी सलून जाते हैं तो हम आईब्रोज को वैक्स के थ्रू करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही हाइजीन रहता है। हम अपने पर्सनली, मैं आपको बता रही हूँ, हम अपने सलून में क्लाइंट्स का जो काम कर रहे हैं वो क्लाइंट्स की जो थ्रेडिंग कर रहे हैं वो वैक्स के थ्रू ही कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही अच्छा शेप आता है। आप ये नहीं सोचेंगे, आप ये नहीं मतलब सोच सकते कि कैसे वैक्स से पॉसिबल है। नहीं, वैक्स से पॉसिबल है और बहुत ही अच्छा शेप आ रहा है इसमें। इसके लिए आज हम अपना वैक्स से कैसे आईब्रोज बनाते हैं वो देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम वैक्स से अपनी आईब्रोज अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये हमारे शॉर्ट क्विक कोर्सेज हैं जो कि आप बहुत ही इजीली सीख सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैक्स के थ्रू आईब्रोज, वैक्स से आईब्रोज करने सिखाऊंगी कि वैक्स से हम आईब्रोज कैसे बना सकते हैं। मोस्टली हम लोग थ्रेड से आईब्रोज बनाते हैं, बट ये टाइम कोविड का है, इस समय हम थ्रेड मुंह में नहीं ले सकते क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हम थ्रेड से वैक्स ना बना कर, आईब्रोज ना बना करके वैक्स से आज आईब्रोज बनाएंगे और सेम शेप में बनाएंगे। देखते हैं कैसे। स्टिक की हेल्प से अप्लाई करेंगे आईब्रोज पे और फिर उसके बाद प्रेस करेंगे और उसको पुल आउट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से ये क्लीन हो जाएगी ऊपर से। इसी तरीके से अब हम नीचे से भी ऐसे ही करेंगे। नीचे से स्ट्रेच करो। ये हमने बनाई है वैक्स से आईब्रोज प्रॉपर शेप, और ये भी नहीं बनी। इसी तरीके से हम कोविड में आईब्रोज को वैक्स के थ्रू बना सकते हैं विदाउट थ्रेड टच किए। अब इसी तरीके से हम ये वाली भी आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज हमारी बन गई है, अब हम इसको हल्की सी क्रीम लगा के रिलैक्स कर देंगे इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, देखा आपने हम कैसे आईब्रोज को वैक्स से बना रहे हैं और कितनी अच्छी और कितनी क्लीन शेप आई है हमारे मॉडल की। इसी तरीके से आप भी चाहें तो सलून में जा करके अपने ब्यूटिशियन को बोल सकते हैं कि वो आपकी आईब्रोज वैक्स से बनाए, बट थोड़ा ध्यान से। अगर आपको हमारा ये मेथड पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपकी ऐसी क्वायरीज है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे कुछ शॉर्ट कोर्सेज हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे इस YouTube चैनल पे। प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।